अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 7 को। इससे पहले कि आप हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए आपको अपनी वीडियो की जानिब लिए चलते हैं। अटेंशन, अटेंशन है सिंपल, तवज्जो। अटेंशन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एरिया। आमतौर पर हम उन चीज़ों को ही याद रख पाते हैं जिनको अटेंशन देते हैं। अगर आप इस लेक्चर को अटेंशन देंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे और ज़्यादा देर तक याद रख सकेंगे, वरना कुछ देर बाद भूल जाएंगे। एक स्टेज पर जो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, इसे स्पॉटलाइट सिर्फ उसी की तरफ होती है ताकि लोग उसको अटेंशन दें। एक पार्टी में बहुत से लोग होते हैं जो आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी को सुनते हैं, उसी को समझते हैं जिससे आप मुखातिब होते हैं, जिसको आप अटेंशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे कह रहा है अटेंशन इज़ लाइक अ बॉटल नेक। जिस तरह बॉटल के नैरो हिस्से की वजह से पानी कम बाहर आता है, यानी जितना रिकॉर्ड होता है उसी हिसाब से बाहर आता है, इसी तरह अटेंशन में भी हम जिन चीज़ों को अटेंशन देना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं उनको अटेंशन देते हैं, जिनको सुनना नहीं चाहते उनको हम अटेंशन नहीं देते। आगे है सिंगल माइंडेडनेस। इसका मतलब है कि हम एक टाइम में ज़्यादा चीज़ों को अटेंशन नहीं दे सकते, ये एक लिमिटेड सोर्स है। लेकिन अगर देखा जाए, हम बाज़ औक़ात ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं, हो सकता है साथ साथ स्मोकिंग भी कर रहे हो, तो ये सब काम एक साथ कैसे हो जाते हैं? इसकी वजह ये है कि हमारी पहले से प्रैक्टिस होती है, इसलिए इनके लिए ख़ास अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे है लिमिटेशंस इन सेंसरी टास्क। हमने पहले जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इनमें जो लिमिटेशंस आती हैं, जो लोग लेटर को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते और तमाम अल्फाज को याद नहीं रख पाते, वो अटेंशन की वजह से ही था। जो इन्फो सेंसरी मेमोरी में जाती है उसे सेव रखने के लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी इन्फो इसी वजह से लॉस्ट हो जाती है क्योंकि हम इसे अटेंशन नहीं दे पाते। डाइकोटिक लिसनिंग टास्क। चेरी एंड मोरे ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सब्जेक्ट्स के दोनों कानों में अलहदा अलहदा मैसेजेस सुनाए और कुछ को कहा गया कि आप राइट ईयर पर फोकस करना और दूसरों को कहा गया लेफ़्ट ईयर पर। जिनको जिस ईयर पर फोकस करने का कहा गया था उनको बाद में राइट वालों ईयर पर फोकस करना था, उन्होंने राइट वाली बात बेहतर तरीके से बताई, क्लियर बता दी, लेकिन लेफ़्ट वाली बात उन्होंने ज़्यादा क्लियर नहीं बताई। इसी तरह जिन लोगों ने लेफ़्ट ईयर पर फोकस किया था उन्होंने लेफ़्ट ईयर वाली बात बेहतर तरीके से बताई, लेकिन राइट ईयर वाली बात वो काफ़ी हद तक भूल चुके थे। यानी कि उन्होंने जिस साइड पर अटेंशन दी उसी साइड पर को वो कान वाली साइड को वो बेहतर तरीके से बता सके। द शेडोइंग पैराडाइम। लेफ्ट ईयर मैसेजेस यहाँ पे कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें होते हैं, स्टार्ट में पहली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, रैन हाउस ऑक्स कैट, और राइट ईयर मैसेजेस हो गए टी जॉब बुक्स लुक्स। जिनको राइट ईयर वाली बात का कहा था उन्होंने राइट ईयर वाली बात इसलिए सही बता दी कि इनके माइंड में इन्फो पहले से ही सेव हो गई थी कि इनसे राइट के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह लेफ्ट वाले भी। अर्ली सेलेक्शन मॉडल। इस पिक को देखें, इसमें वाई शेप बनी हुई है, इसमें इन्फो दोनों साइड से इंटर हो रही है, लेकिन एक साइड वाली इन्फो आगे जाकर ब्लॉक हो कर रही है दूसरी को और खुद आगे जा रही है। यानी सिलेक्शन पहले से हो चुकी है कि कौन सी इन्फो ब्लॉक होगी और कौन सी इन्फो आगे जाएगी। अटेंशन एंड मीनिंग। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट से अंडर ग्रेजुएटेड ग्रे और वेडरबर्न, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक सब्जेक्ट के एक लेफ्ट ईयर में उन्होंने वर्ड बोले, ये देखिए लिखा है लेफ्ट ईयर में जॉन 11 बुक, और राइट ईयर में उन्होंने जो वर्ड बोले वो था राइट 8 राइट 20। जब उस बंदे से पूछा गया तो क्या बोला है, तो उसने उन तमाम अल्फाज को मिलाकर एक मीनिंगफुल जुमला बना दिया, जॉन राइट्स बुक्स। व्यूज, ये था PSY 504 का लेसन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा व्यूज, एक चीज़ है, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप ना लेक्चर के एंड के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है मुझे, लेक्चर के एंड के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया करें, एक दफ़ा रिव्यू दे दिया करें जिस तरह लेक्चर का ना। तो व्यूअर्स, मैं उनसे यही कहूँगा कि 3 से 4
मिनट्स का या 5 मिनट का या 7 मिनट का एक मेरा लेक्चर होता है, अगर उस लेक्चर के अंदर मैं आपको रिव्यू दूँ, 2 मिनट उसके भी ऐड हो जाएंगे। अभी बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, इसके अंदर मेरे ख्याल से रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि लेक्चर के एंड पर एक दफ़ा उसका एक रिव्यू दे दूँ। मिलते हैं अपने लेसन नंबर 8 के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।